आज 26 अप्रैल की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार की वो टॉप खबरें जो आपकी काम से जुड़ी हुई है। आपके लिए हम लाए हैं टॉप 10 खबरें, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर जमकर के बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को ना तो देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की। उन्होंने कहा कि एक समय बिहार में चुनाव के दौरान किस प्रकार से बूथ लूट होती थी, ये सब ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले का भी जिक्र किया और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर के जनता के मन में संदेह पैदा करने का काम किया है, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर से दोबारा मतदान नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय वोटिंग प्रणाली की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्षी दल लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करने की साजिश रच रहे हैं। जब कोर्ट ने ऐसा लोगों को कराड़ा तमाचा मारा है कि वे लोग मुंह उठा करके चलने लायक नहीं रहे। या इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की विजय का दिन है, विपक्षी दलों को आज माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस आरजेडी के शासन काल में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहाँ कमजोरों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर कर दिया जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया है। जब पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना है, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो। बिहार की भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू हुआ। इसी बीच भागलपुर के 3 प्रखंडों गोराडी, सुल्तानगंज, कहलगांव और भीपुर प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वोट बहिष्कार किया। इस दौरान बूथों पर पोलिंग पार्टियों को 1.5 से 2 घंटे तक बैठे रहना पड़ा। एक बूथ पर तो 5 घंटे में सिर्फ 8 वोट पड़े। जब ग्रामीण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि जगदीशपुर के कोला नारायणपुर की बूथ संख्या 225 पर ईवीएम खराब रहने के कारण करीब 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हो सका, जबकि सैकड़ों मतदान केंद्र में शामियाना नहीं रहने के कारण मतदाताओं को कड़ी धूप में घंटों लाइन में लगे रहने को विवश होना पड़ा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के अंटोर गांव में बारात के दौरान आग लगने से 6 लोगों की जान जाने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में घायल लोगों को समुचित इलाज का निर्देश दिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार वालों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे। यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वह मेरे देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और फिर माताओं बहनों का है। चाहे ये किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वे गरीब है तो फिर वे देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। जब कांग्रेस ने देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है, जब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग भी छपा है, जहाँ ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। राजद और कांग्रेस का कहना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक के खास लोगों का है। कांग्रेस आपके मंगलसूत्र तक, एक्सरे और गहने तक हिसाब किताब करने की बात करते हैं। आपकी बची हुई संपत्ति को छीन करके अपने वोट बैंक को देने की कोशिश कर रही है। आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि आपके गुजर जाने के बाद आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाएगी। इसीलिए पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खबर है। खबर यह है कि बिहार में 62 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जहां इच्छुक और प्रतियोगी उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। यह पद का नाम है सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर। यह पदों की संख्या 62 है। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार है। बैचलर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 25 साल और अधिकतम आयु सीमा 45 साल निर्धारित किया गया है। आज बिहार में दूसरे चरण के तहत चुनाव हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग और फिर राजनीतिक दलों के द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। चुनाव आयोग ने गर्मी से राहत के लिए जहाँ इंतजाम किए हैं तो वहाँ सुरक्षा को लेकर के की गई कड़ी व्यवस्था की गई है। यह भारत से लगने वाले नेपाल की सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यह सभी 5 लोकसभा क्षेत्र के लिए 5,436 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या 4,878 है तो फिर शहरी क्षेत्र में 558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर में 1,072 मतदान केंद्र, कटिहार में 1,025, किशनगंज में 1,007 और पूर्णिया में 983 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बांका में 1,349 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी खबर बिहार के अररिया से सामने आई है। अररिया में आग लगने से 100 से अधिक घर जलकर के राख हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 दर्जन से अधिक मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई है। जहां बिहार के अररिया के नरपतगंज प्रखंड के सुपौल सीमा से सटे मणिकपुर पंचायत के लालपुर में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, जहां इसमें 50 परिवार के करीब करीब 100 से अधिक घर जलकर के राख हो गए। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर के राख हो चुकी है। जब घटना की सूचना मिलने पर सुपौल, फारबिसगंज और फिर नरपतगंज से मौके पर पहुंची अग्निमिशन की गाड़ियों की मदद से ग्रामीणों ने काफी से 4 घंटे के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले गांव के तबरेज के घर से अचानक आग की लपटें उठी। आग की ऊंची उठती लपटों को देख करके आसपास के ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग आसपास के घरों में फैल गई और फिर देखते ही देखते कोहराम मच गया और 100 घर जलकर के राख हो चुके हैं। बीएससी भी ने नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरे फेज की सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। जहां समिति ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इस परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26 अप्रैल से 4 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक नियोजित शिक्षक और फिर इस अवधि में सक्षमता परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। पूरे बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक में पहले फेज में करीब करीब 1,87,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए थे। जब बीएससीबी ने दूसरे चरण में बचे हुए नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जो पहले चरण में आवेदन नहीं करे थे, साथ ही साथ जो पहले चरण की परीक्षा पास नहीं हो पाए थे वह भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आपको अपने परिवार और फिर पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता है, जब आपकी पार्टी, राजद और आपके परिवार वालों ने अनगिनत घोटाले किए हैं। मंगल पांडे ने आरोप लगाया है, बीजेपी के नेता है मंगल पांडे, उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में तेजस्वी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बेल पर बाहर हैं। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे कहा कि पैसा लेकर के कोई भी डील करना आरजेडी की पहचान रही है। यह राजद हमेशा गरीब जनता की कमाई को लूटती रही है। बालू माफिया से लेकर के जमीन माफिया सभी को श्रेय देते हैं। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन हार के पहले कांग्रेस और INDIA वाले देशवासियों को डराना चाहते हैं। जब कांग्रेस की नजर देशवासियों की संपत्ति पर है, जब शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वे की बात तुरंत वापस ले। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस और INDIA की विचारधारा अरवण नक्सल के कब्जे में है, जो लोगों की निजी संपत्ति को लूट करके बांट देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि देश की संपत्ति पर देशवासियों का हक है। या देश के लोगों की निजी संपत्ति देशवासियों के पास मौजूद सोना कोई लूट नहीं सकता। देश सहित बिहार के
पांच सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जब बिहार के पांच सीट बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। वहीं पर पीएम के आगमन के पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवालों की लंबी लिस्ट जारी कर दी है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से 7 सवाल पूछ डाले। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम से 7 सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले ट्वीट करके कहा कि फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकारात्मक बातें तथा जुमलों की बारिश करते हुए बिहार आ रहे हैं, करने के लिए आ रहे हैं, जहां हर बिहार वासियों के प्रधानमंत्री जी से कुछ वाजिब सवाल है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे इतने काबिल पीएम हैं कि इन सवालों का उत्तर अपने भाषणों में अवश्य देंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सवालों का जवाब मांगा है। जब तेजस्वी यादव ने बिहार को लेकर के पीएम मोदी से पूरे 7 सवाल पूछे हैं, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और फिर किसानों को लेकर के सवाल है। तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा है उसमें पहला सवाल यह है कि मोदी जी, आप बिहार वासियों से वोट बिहार की किस कार्य डिलीवरी और फिर उपलब्धि पर मांग रहे हैं। दूसरा, मोदी जी, आप बिहार आकर के नौकरी, रोजगार, छात्रा, नौजवान, कृषि, पलायन, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्कूल और अस्पताल की बातें क्यों नहीं करते। तीसरा, बिहार ने आपको 2014 में 40 में से 31 तथा 2019 में 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, लेकिन आप बिहार वासियों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि आपने बीते 10 सालों में बिहार को क्या दिया। चौथा, बिहार जानना चाहता है कि बिहार की तुलना में गुजरात छोटा प्रदेश होने तथा वहां कम संसदीय सीटें होने के बावजूद बीते 10 सालों में आपने गुजरात में कितना फैक्ट्री लगवाई, गुजरात में कितने स्टेडियम बनवाए, गुजरात में कितने नए शहर बसाए, गुजरात में कितने लाख करोड़ का निवेश लाए, गुजरात के कितने उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया, रोजगार, नौकरी और फिर विकास की बात नहीं, फिर वोट किस लिए। वहीं पर पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार आकर भी आप युवाओं के मुद्दे और फिर समाधान जैसे उद्योग, विकास, निवेश, रोजगार और फिर नौकरी की बात नहीं करते, तो फिर किस लिए आप बिहार वासियों से वोट मांगने आते हैं। छठा, बिहार आकर ही आप सबसे अधिक नकारात्मक बातें क्यों करते हैं, जबकि 15 वर्षों से बीजेपी बिहार सरकार में बड़े सहयोगी दल के रूप में सम्मिलित है। सातवा सवाल कि मोदी जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता और फिर प्रत्याशी संविधान और फिर लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं, ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों और फिर गरीब का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं। आपको इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। ये कहना है तेजस्वी यादव का।